Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories. हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं हरे चने की रेसिपी। तो ये मार्केट में ना कुछ इस तरह से मिलता है। हमें इसके जो ऊपर का जो है ना उसको फोड़ के हमें अंदर से चने निकालना है। इसकी ये एक खासियत है कि ये सिर्फ विंटर सीजन में ही मिलता है, और इसकी जो टेस्ट है और स्वाद है वो बिल्कुल मज़ा आता है। बिकॉज आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से सब्जी बनाने को। बिकॉज काले चने की सब्जी तो सबने ही खाई होगी, पर ये हरे चने की जो रेसिपी है ना वो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने कुछ हरे चने हैं मैंने फोड़ के निकाला है। ये है करीबन 150 ग्राम हरे चने हैं। हमें ना इसको कुकर के अंदर हमें 3 से 4 सीटी बजाना है, अच्छे से हमें पकाना है। हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और मैं इसके अंदर साथ साथ पानी 1 गिलास डालूँगी, और हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। अभी कुकर की 3 से 4 सीटी बज गई है। हमारे जो चने हैं देखो बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं, कुछ इस तरह से। अभी हमें इसके अंदर से जो पानी है वो फेंकना नहीं है, वो हमें साइड में एक ग्लास में निकाल लेना है। तो इधर मेरे जो नीले यानी कि हरे जो चने हैं वो अच्छे से पक गए हैं कुकर के अंदर, देखो। और इसका जो पानी बच गया था कुकर में से वो हमने निकाल लिया है, वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और ग्रेवी के लिए इधर मैंने ले लिया है 1 प्याज मैंने बारीक काट लिया है, 1 टमाटर, और ये मिर्ची और अदरक और लहसुन का पेस्ट है। मैं जो भी काटती हूँ ना सब्जी, मैं ये कटर में काटती हूँ ताकि कि एकदम बारीक चॉप हो और मेरा जो काम है वो आसान हो जाए। उसके साथ ही साथ मैंने ले लिया है 3 से 4 टेबलस्पून दही है। तो इसके अंदर दही के अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, और हमें अच्छे से मिला लेना है। हम सब्जी के अंदर दही डालेंगे, अगर हम ऐसे ही दही डालेंगे ना तो दही अंदर फट जाता है, इसलिए नमक डाल के डालते ना तो फटता नहीं है। और उसके साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, हींग लिया है, हमने कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, मिर्ची रेड चिली पाउडर लिया है, राई जीरू और हल्दी लिया है। आओ बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने इधर एक कढ़ाई ले लिया है, इधर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून राई। राई के फूट जाने पर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून जीरा और छोटी चम्मच हींग। इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अभी मैं गैस की फ्लेम स्लो करूंगी। इसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी अदरक और मिर्ची का पेस्ट है। इसके बाद मैं डाल दूंगी प्याज कटे हुए, बारीक कटे हुए, और टमाटर, और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हमें ये जब तक पक ना जाए तब तक ढक के रख देना है। हमें बीच बीच में ऐसे अच्छे से हिलाते रहना है। इसके अंदर हम मसाले कर लेंगे। तो मसाले के लिए मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 2 चम्मच मिर्ची पाउडर मैं डाल दूंगी। इधर हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नमक हमने कुकर के अंदर जब भी हमने पकाया था ना चना को तभी डाला हुआ था। और 1 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। हमें अच्छी तरह से सबको हिलाना है ताकि सब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूंगी, और 1/2 टेबलस्पून शुगर डाल दूंगी, और अच्छे से हम हिला लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे दही। ये मैंने 3 से 4 चम्मच दही लिया है। दही डालते ही हमें फटाफट इसको हिलाना है। देखो तो बहुत ही मस्त बढ़िया क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है दही की वजह से। डाल देंगे चना, हरे चना है। और इसके बाद मैं हमें जो प्रेशर कुकर में से जो पानी निकला था ग्रीन कलर का, तो वो हम डाल देंगे। मैंने इधर नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर बाद में लगेगा तो हम करेंगे। और जैसे मिक्स कर लो सब्जी को। देखो
देखो दही डालने से कितना क्रीमी टेक्सचर आया हुआ है। अभी हम इसको थोड़ी देर तक पकने देंगे। तो हमारे जो हरे चना है उसकी जो सब्जी तैयार है। अभी मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। देखो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है क्योंकि इसके अंदर हमने दही डाला हुआ है। और इसको अभी हम धनिया से गार्निश कर देंगे। गरम गरम सर्व कीजिए रोटी के साथ। तो आप सबको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Here we are, we lock down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is